आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा, और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है, एकाध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है, कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी का मतलब है। और दूसरी बात है प्रेशर, कभी कभी तो हम बालकों की मनस्थिति ऐसी होती है कि एक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि माँ मम्मी पापा कुछ भी कहे तो मैं लगता है ये मेरा बिगाड़ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं सही है, इनको कुछ समझ नहीं आती, ऐसा ही होता है ना, ये कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। पहले हम, खास करके मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि हम अपने मां बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने, सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एकाध बार पूछे अरे मम्मा ये समझ नहीं आया जरा, ये क्या कह रही थी, एक बार इतना कर लीजिए, शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मैंने बहुत कह दिया तुझे।
आपको मम्मा को समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगी। इसलिए छोटी चीजें व्यवहार की होती है। अब फिर कभी जब मम्मा पापा अच्छे मूड में हो तो आप ही अपना दृष्टिकोण कि मैंने बहुत सोचा, आपने उस दिन कहा था ना मंडे को, तो बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कोशिश भी की, लेकिन कम पड़ गया, मुझे बताइए ना कैसे करूं। आपकी एग्जाम पूरी, उनकी एग्जाम शुरू। घंटे भर उनको समझ दिया है क्या जवाब थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके मां बाप का बोलती बंद करना सिखाता हूं आपको, लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है। बाद में मां बाप से आप देखिए एक मित्र भाव से आपका संवाद शुरू होगा, वे आपके हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए। वो सारी सजा बच्चों पर दे रहे हो। वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नहीं करना था। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी मां बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपने देखा होगा घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उठ करके चलना सीखता है, तो मां क्या करती है, वो उठता है एक दो कदम करके गिर जाता है तो डांटती है क्या, ताली बजाती है। ताली बजाती है उस बच्चे को लगता है गिरना बुरा नहीं है, उसने भी हितने की आदत। अब किसी मां को किसी प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा गिर जाए तो ताली बजाना, किसी किताब में पढ़ा था क्या? लेकिन उसको मालूम है कि बच्चे का हौसला बुलंद बढ़ाना है, फिर क्या करेगी, तीन चार कदम चलना सीखेगा तो मां उसको कोई प्रिय चीज उसको लेकर के दूर खड़ी रहेगी और कहेगी आओ 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 आओ, आओ। है हटती जाएगी, ऐसा करती है ना मां, और बच्चे को भी करता है कि मैं जरा दौड़ करके ले आऊं, उसका हौसला बुलंद करती है मां बाप। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद, बचपन में सब किया होने के बाद भी एक स्थिति आने के बाद मां का मन हो जाता है, बाप का मन हो जाता है, बस अब तो वो तैयार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती वहीं से शुरू होती है। मां बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रूप में देखना चाहिए, पुचकारना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अगर गिर भी जाता है तो हौसला बुलंद करना चाहिए। उसको नीचे गिरता हुआ देख करके उसको डांटते रहने से कोई परिवर्तन नहीं।